यार आज की वीडियो में हम लोग जो इंस्टाग्राम की बायोज है वो पढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट वो किसी पर कार ही नहीं रहा, ट्रस्ट का उसने काटा डाला हुआ है। ये जो पंजाब में पढ़ते हैं, ये जब पढ़ते होते हैं पंजाबी जब निकल आते हैं तो एक्स पंजाबी ये लिखना लाजमी है, मतलब इसके बगैर के बारे में लिखनी है। तो उसने कहा मतलूबा लड़का आपके कार से बाहर है, तो ये लड़का बाहर भी मतलूब है किसको था, आपस की बात है, ये अपनी कार से बाहर है, कार से बाहर हुआ है बेटा। ये तुझे किसने कहा कि लव इजी है? अगर लव इजी होता ना तो दानिश को हार्ट अटैक ना होता, अगर लव इजी होता ना फैजल को ड्रामे में नहीं होता, अगर लव इजी होता ना शमशेर अपने खानदान से ना लड़ा होता। मैं लाश बन जाऊंगा तुम्हारे लिए, काश बन जाऊंगा भाई। लोग अगर सिर्फ फेक होना कितना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग फेक होने के साथ स्नेक भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद इजाज। अच्छा यार आज की वीडियो में हम लोग जो इंस्टाग्राम की बायोज है ना, जो लोगों ने लिखी होती इंस्टाग्राम की बायोज, वो पढ़ने वाले हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने व्हाट्सएप का अबाउट सेक्शन लोगों का पढ़ा था, और वो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो उसके व्यूज़ थे ना, ओहो ना पूछो। लेकिन एक सेकेंड, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो उसके व्यूज़ थे ना, चल झूठा। अच्छा खैर, अब आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम की बायो पढ़ने वाले हैं जो लोगों ने लिखी हैं। सो आप लोगों को पढ़ के मैं दिखाता हूँ, सुनाता हूँ सब कुछ। सो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यह कहता है, इट इज़ बेटर टू फाइट एंड फॉल डाउन अगेन देन लिविंग विदाउट होप। ओन रूल्स, उसके अपने रूल्स हैं। बाय द वे ऊपर लाइन अच्छी थी, ट्रस्ट वो किसी पर कार ही नहीं रहा, ट्रस्ट क्या उसने काटा डाला हुआ है। लॉग इन वर्ल्ड 23 मार्च, दुनिया में वो लॉग इन हुआ है 23 मार्च को। और भाई ये आपके घर वाले ने क्या आपको गूगल से डाउनलोड किया है या कोई ऐप बनाई हुई है? अजीब बात है। अच्छा आ गया, कार्स आर्किटेक्टर पेट लवर इंजीनियर 1/1/2000। ये बंदा भाई स्टेनोग्राफर भी है, कार्स आर्किटेक्टर भी है, सर्टिफाइड साइबर ऑफिसर भी है, BBA चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कंप्लीट है। कौन है, किसने इतना सब कुछ किया हुआ है? मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसे बायो नहीं समझा, और लोग अपना CV बयान किया हुआ है कि ये हो सकता है कोई बायो देख के नौकरी दे दे। ऐसे तो नहीं होता है। आ गया, हम मुखलिस रहे हैं, तुम्हारी मुनाफकत जाने और खुदा जाने। Okay. आगे लॉलीपॉप दिया हुआ है, फिर फैसलाबाद /पाकिस्तान #ओनली सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू का फैन था। वंस दे स्टॉप टॉकिंग टू यू दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। ओके आगे जी, पर्सनल ब्लॉग है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 26 एरिस फैसलाबाद 19 लाइफ इज आर रिस्क टेक इट मैन एक्स पंजाबियन। अच्छा एक चीज यार मुझे वाकई समझ नहीं आती, ये जो पंजाब में पढ़ते हैं, ये जब पढ़ते होते हैं कहते हैं पंजाबियंस, जब निकल आते हैं तो एक्स पंजाबियंस, ये लिखना लाजमी है, मतलब इसके बगैर क्या बायो कम्प्लीट नहीं है तुम लोगों की? नहीं। आगे ये क्या, ये किसने जापानीज या चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, ये कौन? इसकी रुको ट्रांसलेशन करते हैं। और हाँ भाई इसका आया, आई विल लव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मतलब जो भी इसकी ट्रांसलेशन करेगा ना उसे यही आएगा, आई विल लव यू फॉर एवर। ये जिसने भी बायो लगाई वो इंतहाई ठरकी इंसान है। आ गया, डोंट प्ले विद मी कोज आई प्ले बेटर देन यू। ओके आ गया, आई लव ओनली माई सेल्फ। अच्छा ये उसने पहले बता दिया कि भाई मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, तो मुझसे तुम उम्मीद ही ना रखना कि मैं तुम्हें प्यार तो दूर करूँ, तुम्हें पसंद भी करूँगा। MBBS 23 फैसला पाकिस्तान, आगे पता नहीं किस मुल्क का झंडा है। आई लव ट्रैवलिंग, आगे जहाज है, जहाज भी आई। आगे उसने लिखा हुआ, मतलूबा लड़का आपके काज से बाहर है। ओके तो ये लड़का बाय द वे मतलूब है किसको था जो काज से बाहर है? वैसे ये आपस की बात है, ये अपनी काज से बाहर है, काज से बाहर हुआ है। आगे द लेस यू केयर द हैप्पियर यू विल बी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। वेरी गुड यार, इसका जो असल मायने है वो ये है कि जितना तुम्हें कम फर्क पड़ेगा ना उतने तुम खुश रहोगे। वाकई बड़ी सही बात है। फर्स्ट इंटरेक्शन 25 फरवरी, बी सुपीरियर वो इज्जू मंतशाह हुआ तो दिल्लू मंतशाह, लव पेरेंट्स। तो ये बात बायो में लिखने की क्या जरूरत है लव पेरेंट्स? ये सब बंदे, हर कोई अपने माँ बाप से प्यार करता है, ये बताने की बात नहीं है। वो खलीलुर रहमान कमर ने एक दफ़ा क्या कहा था, उसने कहा था कि प्यार आप दोस्तों से कर सकते हैं या किसी से कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो फितरत है आपकी,
उनसे आप प्यार नहीं करते, वो फितरत में ही आप लोगों की, ऐसे भी कोई बात खलील रहमान कमर साहब ने की थी। आगे है UGHPPL, ओके इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन में भी UGHPPL आ रहा है, ये पता नहीं क्या, अगर किसी को पता है तो बता दे। आगे है लव इज इजी बट किंग इज बिजी, बेटा ये तुझे किसने कहा कि लव इजी है, अगर लव इजी होता ना तो दानिश को हार्ट अटैक ना होता, अगर लव इजी होता था ना परिजात पूरे ड्रामे में ना रुलता, अगर लव इजी होता था ना शमशेर अपने खानदान से ना लड़ रहा होता, भाई लव इजी नहीं है। उसके बाद है 11 सितंबर माय बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल फैसला स्टडी इस बार कॉलेज। इस बंदे ने तो मुझे लगता है अपना शनाख्ती कार्ड का डाटा जो था ना वो सारा उठा के बायो में लिख दिया, वो कॉपी पेस्ट नहीं होता। आगे इन आर रिलेशनशिप विद स्टडीज, ओ अच्छा ये भी अच्छा है। आगे उसने कोई इमोजी डाले हुए हैं, आगे 10 और 8 बर्थडे, अच्छा ये वैसे ये अच्छा तरीका है बर्थडे बताने का, केक डाल दो आगे अपने डेट लिख दो अगर आपने बताना भी है तो। आगे जब मैं लाश बन जाऊंगा तुम्हारे लिए काश बन जाऊंगा, अच्छा अगली है वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर सिंगल बट नो इशू, ओके हमें बताने की क्या जरूरत है, अगर तुम सिंगल हो और तुम्हें कोई मसला भी नहीं है तो फिर मतलब, या तो जिसे मसला हो ना वो लिखता है यार सिंगल के हो सकता है मैं डबल हो जाऊं। कहता है विश मी ऑन 20 मार्च, ठीक है लाइफ इज फुल ऑफ फेक पीपल, भाई लोग अगर सिर्फ फेक हो ना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग फेक के होने के साथ स्नेक भी हैं, मतलब साथ डस के भी जाते हैं जब वो आपको छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को हर गिज सब्सक्राइब करना ना भूलना, दुआओं में याद रखना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।